ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 की महा कवरेज। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत होगी, विपक्ष हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराएगा। चार के बाद ये लोग सिर्फ एक ही रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब है। 4 तारीख को अगर आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे कहीं तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, एक ही रोना रोएंगे ये। तो देख सकते हैं आप, सुबह से ही हर तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। लेकिन इस बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि बाद में ईवीएम का रोना रोता हुआ विपक्ष सुनाई देगा और विपक्ष हार के लिए ईवीएम को ही दोषी ठहराएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी से। उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए कि किस तरह की तस्वीर है वहां पर। लगातार वोटिंग की कवरेज आप कर रहे हैं उपेंद्र, और अलग अलग बूथों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दोपहर के वक्त थोड़ा सा धीमा जरूर होता है मतदान, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। कितना है इस वक्त वहां पर टेम्परेचर और मतदाता कितने उत्साहित है जरा दिखाइएगा उपेंद्र। देखिए बिल्कुल धूप की तलखी तो जरूर कम है, लेकिन उमस बेहद ज्यादा है। बावजूद इसके उत्साह कम नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 1 बजे ये बहुत बड़ा फिगर होता है, 1 बजे तक 40% मतदान, यानी कि इस लिहाज से अगर हम समझे तो मतदान इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। भीड़ अभी भी आपको यहाँ पर हर बूथों पर नजर आ रही होगी, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट डाल के आ रहे हैं, यानी कि जो उत्साह है वो मौसम से कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अपना वोटिंग कास्ट कर रहे हैं। आपने वोट डाल लिया मैडम? क्या नाम है आपका? पूजा खन्ना। किन मुद्दों पर डाला आपने वोट? मुद्दा तो बस मोदी जी बनारस को विकसित कर रहे हैं, आगे जो और है वो भी करें, बस यही है, और पूरे विश्व में बनारस का नाम हुआ है। आपने वोट कर दिया? सुबह ही डाल दिया वोट। अच्छा, तो आप सब वोट डालने के लिए अंदर हैं? इतने लोग वोट डलवाने के लिए आप मोबाइल हाथ पे लिए हैं? दादाजी क्या किन मुद्दों पे वोट किया है? राष्ट्र है, राष्ट्र को जो आगे ले जाए, नेशन को जो डेवलप करे, उसी के लिए वोट डाल रहा है। नेशन डेवलप है, उस राह पे है, डेवलप बिल्कुल है, नेशनल डेवलपमेंट के राह पे है। सारा समझ जाइए, जब कोई ये कहे कि काम हो रहा है, अभी सब बेहतर हो रहा है, और बेहतर हो तो आप समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है। खास बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए, लगातार जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं, मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ। भाई साहब, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? 40% वोट पड़ चुका है। आज जो है हम लोगों ने इंद्रदेव से स्टे लिया हुआ है, 7वें चरण का चुनाव है, जो 47 डिग्री था इंद्रदेव जी ने हम लोग की सुन ली है, 40 डिग्री हो गया ये तापमान। एक बहुत लोगों की आज गर्मी ठंडा कर देगा। अच्छा। और हम लोगों ने अपने मत का प्रयोग इसलिए किया है कि हमारा अधिकार बनता है, संविधान को देखते हुए हम लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो है इंद्रदेव जी आज जो है मौसम आज धीमा है, कुछ लोग अभी आपके भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे थे कि देखिए मोदी जी जिस तरह की तपस्या कर रहे हैं और देखिए आज मौसम का प्रभाव बिल्कुल बदल गया है। मोदी जी की तपस्या का ही फल है ये। अच्छा। तपस्या उधर हो रही है, फल इधर मिल रहा है। अच्छा। और फल का परिणाम आप जानते हो, जब ये फल मिल रहा है तो परिणाम कितना अच्छा होगा। क्या गुरु कहो, यही बात हो? एकदम परफेक्ट यही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। और ठीक है, सही है, बहुत लगातार जो हर उम्र के लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों के अपने परिजनों के साथ आ रही। आंटी वोट करने आए हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। क्या एज होगी आंटी आपकी? मेरी जी 75। वाह, तो आंटी इस मौसम में भी आप 75 में एज करने, क्या कहेंगे दूसरों के लिए? देखिए तमाम सारे ऐसी जो वोटर्स, ऐसे जो चेहरे होते हैं, ये प्रेरणा होते हैं। इतना तापमान बढ़ा है और 40% ज्यादा मतदान हो गया है बनारस, इस बार क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ देगा सर? क्यों नहीं तोड़ेगा। अच्छा, जब मोदी जी ने इतना कुछ किया है तो उनके लिए करना ही पड़ेगा बलिदान, उनके लिए करना पड़ेगा। और देखिए एक बुजुर्ग चाची, वोट डलने जाओ तुआ। तो ये देखिए आप उम्र, देखिए क्या उम्र होगी इनकी? इनकी होगी 80 साल। 80 साल, तो 80 से चल। तो चाची मौसम गर्मी ना लगा तो? बड़ा गर्मी लगा। गर्मी लगा तो, लेकिन वोट डलवा। हाँ। अधिकार हो, जियत हो तो डाल दे। जियत हो तो डाल दे, देखा ये भाव हो
बनारस के दिया था, कुछ और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। मतलब वोट कर दिया, अरे छोड़ा यार, ठीक है। अच्छा, बातचीत करते रहिए उपेंद्र, लगातार हर तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। देखिए